एसटीडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीताराम माथुर और आज जेएनई 2022 में प्रतिशतता में जो आने की संभावना है वो क्वेश्चन आज लेके आते हैं। नहीं बाबू, आज कौन सा क्वेश्चन है? एक नंबर दस मीटर 10 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है? नहीं, ध्यान दो आरती बाबू इधर। कह रहा है 10 मीटर 10 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है? सुभाजीत बना पाओगे बाबू? बोलो। कह रहा है 10 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, यानी कि 10 किलोमीटर है बाबू ना, किलोमीटर का के जगह इंटू देंगे का कितना प्रतिशत, एक्स प्रतिशत बराबर कितना दिया हुआ है? 10 मीटर है। कितना है? 10 मीटर है बाबू। ये किलोमीटर में क्या करेंगे? मीटर कर देंगे, क्योंकि ये भी मीटर में है, इसको भी मीटर कर देते हैं। तो 10 इंटू 1000 मीटर इंटू एक्स बाय 100 इक्वल टू 10 मीटर, दोनों की जगह में आ गया। अब बोलो कितना आ जाएगा? तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा बाबू? इससे गुना आ जाएगा 10 इंटू 100 बाय कितना में आ जाएगा? 10 इंटू 1000। ये 3 जीरो, ये 2 जीरो और ये 1 जीरो कितना आ गया? 1/10 बचा। नहीं, 1 जीरो काटेंगे, 1 के बाद 10, इधर कुछ नहीं तो 0 है, यानी कि 0.1 प्रतिशत आया। यानी कि 10 मीटर 10 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है? 0.1 प्रतिशत। ऑप्शन नंबर कितना है? ए में है। ठीक लगा दो आसानी से? कोई दिक्कत है आरती? नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते है ना। दूसरा क्वेश्चन में कह रहे हैं बाबू कि आरती के पास 250 रुपया थे। ध्यान दो बाबू, सुबह देना। उसने 50 रुपया पुस्तक पर खर्च किए, तो बताइए उसने कितना प्रतिशत धन पुस्तक पर व्यय किया? बनेगा? हाँ सर। बोलो कितना है? कह रहा है आरती के पास 250 रुपया थे, उसने 50 रुपया पुस्तकों पर खर्च किए, तो बताइए उसने कितना प्रतिशत धन पुस्तक पर खर्च किया? कितना किया हुआ? 50 रुपया किया। नहीं, खर्च किया हुआ कितना है? 50। निकालने क्या बोला? कितना प्रतिशत? प्रतिशत निकालने बोला, तो प्रतिशत निकालने डायरे। हाँ, तो प्रतिशत बराबर क्या आएगा? खर्च का निकालने बोला ना, व्यय मीन खर्च। कितना है? 50 वाई कितना आ जाएगा? 250 इंटू 100 25 20 है 100। कितना आ गया बाबू? 20%। ऑप्शन नंबर कितना में है? सी। अरे बाबू, बी के बाद है सी। कितना आया? सी। ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत आया किसी का? नहीं। देखो बाबू सुबोधना, इसी टाइप का क्वेश्चन जेएनवी 2022 में प्रतिशत का मेथड अगर आएगा इसी तरह का आएगा। ध्यान से देखना बच्चे वीडियो को, और लाइक भी जरूर कर देना। अच्छा लगे तो लाइक करना, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करना, दोनों में से एक जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देख। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया बाबू, देखो ध्यान से। इधर कह रहा है 250 अंकों में से एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक क्या है? मानेगा विकी बाबू? अरे 250 अंकों में से एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक क्या है? यानी कि पास करने के लिए बाबू। अनुत्तीर्ण मतलब फेल, और उत्तीर्ण होने के लिए पास, उसको कहा जाता है। तो करे 250 अंक है, कितना है? 250 अंकों में से एक विद्यार्थी ने कितना प्रतिशत अंक प्राप्त कर रहा है? 30/100 का मतलब 1 0 1 0 1 0 1 0 कितना आ गया? 3 5 15 और 3 6 7 इतना अंक प्राप्त कर रहा, और कितना अंकों से फेल हो जा रहा? 25 अंक। अगर वो 25 अंक ले आता तो क्या होता? वो पास हो जाता। इसको जोड़ दो, कितना? 25 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 0 7 8 9 10 एक सौ अंक लाने पर क्या हो जाता? वो पास हो जाता। ऑप्शन नंबर कौन वाला है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करा है टमाटर के भाग में 90% पानी है और 25 के जी टमाटर में पानी का भाग क्या होगा? नहीं, कितना पानी है टमाटर में? 90% पानी है। प्रतिशत का मतलब 100
100 कितना केजी टमाटर है? 25 केजी टमाटर है, 25 से गुना कर देंगे नहीं, 10 गुना करके देखो कितना आ जा रहा, 9 × 25/10 कितना आ जाएगा बाबू, 5 × 45 = 5 हाथ में रह गया 4, 9 × 18 = 4 20 21 22 10 तो 10 काटेंगे, 1 के बाद 10 हमारा कितना आ जाएगा 22.5 kg क्या है, पानी है ना, 25 kg टमाटर में पानी का भार कितना आ जाएगा 22.5 kg कहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी, 1 के बाद कौन वाला है बी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं क्वेश्चन बाबू इधर ध्यान दो, कराई एक विद्यालय में लड़के लड़कियों का अनुपात 5:2 है, यदि विद्यालय में 700 छात्र हो तो लड़कों का प्रतिशत क्या करें। शुभजीत इधर ध्यान दो बाबू और संदीप, कराई एक विद्यालय में लड़के एवं लड़कियों का अनुपात कितना दिया हुआ है, हाँ यानी कि बॉय एंड गर्ल, बॉय एंड गर्ल कितना दिया हुआ है 5:2 है, यदि विद्यालय में 700 छात्र हो तो लड़कों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो विद्यालय में टोटल बच्चा कितना दिया हुआ है 700 दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है दोनों को मिला के दिया हुआ है, दोनों को जोड़ करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 से डिवाइड दे देंगे कितना आ जाएगा 100 तो लड़का का कितना आ जाएगा, देखो 100 आया वो ये ध्यान दो तो कितना दुगुना करना होगा 100 से तो लड़का कितना आ जाएगा 500 और लड़की को भी 100 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 200 किसका प्रतिशत निकालने बोला है लड़का का, लड़कों का प्रतिशत यानी कि बॉय का नहीं तो लड़का का प्रतिशत बराबर क्या होगा बोलो, लड़का की संख्या कितना है 500 बाय टोटल संख्या कितना है 700 प्रतिशत का मतलब 100 से गुना कर दो कट जाएगा कितना कटेगा 0 कट गया 0 कितना आ गया 500/7 पूर्णांक करेंगे तो कितना आ जाएगा 500 को 7 से भाग दे दो ना 7 से कितना आएगा 7 × 7 = 49 10 7 × 1 = 7 कितना बचेगा 3 71 × 1/3 कितना आ जाएगा बाबू ना 71 × 3/7 प्रतिशत कितना प्रतिशत आया लड़कों का प्रतिशत आया कहाँ पर ऑप्शन नंबर बी अरे बी नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, यदि आपती की आय सबू की आय से 10% अधिक है तो आरती की आय सबू की सबू से कितना प्रतिशत कम है, विकी बनेगा स्टीफन जरा ध्यान दो, करे यदि आरती की आय सबू की आय से 10% अधिक है तो आरती की आय सबू से कितना प्रतिशत कम है, जरा ध्यान दो यहाँ पूछा दिया हुआ अधिक निकालने क्या हो रहा है काम, अधिक दिया हुआ रहेगा तो कम ही निकालना है, कमी बराबर क्या आ जाएगा बोलो अधिक बटा में 100 + 100 − 100 + 100 × 100 अगर यहाँ कमी दिया अधिक पूछता तो क्या निकलता सर कमी निकलता, अधिक दिया हुआ है तो कमी निकल रहा है, कमी दिया रहेगा तो अधिक निकलेगा तो कमी निकलेगा, अधिक कितना दिया हुआ है 10% बाय 100 + 10 अधिक है × 100 सिंपल क्वेश्चन है बाबू, 10 बाय कितना आएगा 110 × 100 कितना आ गया 100/11 कितना बन जाएगा 9/12 99 9 पूर्णा 1/11 प्रतिशत ना 9 × 1/11 कितना आया 9 × 1/11 कहाँ पर ऑप्शन नंबर एक नंबर में लगा दो ठीक है सामने, देखते हैं क्वेश्चन जरा ध्यान दो बाबू इधर, जो जितना बोल रहा था अच्छा ही बात है, करे पी का 90% और क्यू का 30% बराबर है तो पी अनुपात क्यू का मान क्या होगा देखना, देखो इधर पी का 90% ध्यान दो, इधर पी का 90% 90/100 होगा और क्यू का 30% क्या बोला है क्यू का 30% प्रतिशत का मतलब 100 आपस में क्या है दोनों बराबर है ना, नहीं है बराबर है, तो अब जरा ध्यान दीजिए इसको और इसको काटेंगे और ये काट देंगे
कितना आ जाएगा बोलो? 9/10 9p/10 बराबर 3q/10। तो दोनों नीचे नीचे बराबर है तो कट ही जाएगा बाबू, काट सकते हैं, काट दी। तो देखो बाबू 9p बराबर क्या है 3q, अगर बराबर है बाबू तो इसको इधर आ जाता है इसको, यानी कि कुछ नहीं तो p/q बराबर क्या है, पहले तो 3 है ये नीचे आ जाएगा ना 9, तो 3 × 9 ऊपर में कुछ नहीं तो 1 है, तो 1/3 यानी कि p अनुपात q यानी कि p का मान कितना है 1 और q का मान 3 है, तो कितना आ जाएगा आंसर 1:3। तो 1:3 कहाँ पे है? बी नंबर। बी नंबर गलती करोगे तो क्या आ जाएगा 3:1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो इधर, कह रहा है एक आदमी 20% छूट लेने के बाद एक घड़ी 2800 रुपया में खरीदता है, तो घड़ी का वास्तविक मूल्य क्या है? जरा ध्यान दो, कितना प्रतिशत छूट दिया हुआ है? 20% घड़ी का छूट ले रहा है। अगर एक आदमी 20% छूट लेने के बाद एक घड़ी 2800 रुपया में खरीदता है, तो घड़ी का वास्तविक मूल्य क्या है? वास्तविक मूल्य निकालना है, छूट दिया है नहीं बाबू, 20% छूट, तो 100 में 20 छूट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। तो निकालने क्या बोला है? वास्तविक मूल्य। सीपी निकालना है तो सीपी कितना आ जाएगा? था वास्तविक सीपी कितना था? सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 ऊपर रहेगा और 80 नीचे, इनटू कितना दिया हुआ? 2800 रुपया दिया। एकदम सीधा और सरल तरीका है, 100 चार से काटो, 4 × 2 = 8, 4 × 25 = 100, 2 से काट दो, 14 × 2 = 28, 0 लग गया, तो कितना गया बाबू? 25 × 140, तो गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3500 रुपया। तो घड़ी का पहले मूल्य कितना था? 3500। छूट लेने के बाद कितना में हुआ? 2800। तो पहले का मूल्य आ गया, कोई दिक्कत आया नहीं? तो आज का वीडियो यही था, नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं। जय हिंद।